आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। जैसी की तस्वीरें शाहीन बाग से हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में जो जीत हुई आम आदमी पार्टी को लेकर, कहीं ना कहीं दिल्ली में इसका असर दिख रहा है। ये पार्टी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी जो ऑफिस है वाजिद खान साहब कौंसलर शाहीन बाग के, वहाँ हो रही है। लगातार कल से जश्न का दौर शुरू है। तो सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाजिद खान साहब की ऑफिस है, कौंसलर साहब की ऑफिस है, वहीं से सीधी तस्वीरें हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी अंदर हो रही, तो मैंने सोचा कि कार्यकर्ताओं से बातचीत, कल की जो जीत हुई है, लगातार जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि ये एक ईमानदारी की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी के काम पे और नाम पे पूरे देश में अब जो दौड़ शुरू होगी, विपक्ष में अगर कोई है और जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं वो आम आदमी पार्टी है। और पंजाब की जीत से आम आदमी पार्टी का ग्राफ और ज़्यादा बढ़ेगा और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ेगी। और वो पुलिस स्टेट है, वहाँ पे सब पुलिस स्टेट है, तो पुलिस वगैरह भी सब है, सब कुछ है हमारे पास। हम वहाँ काम करके दिखाएंगे 5 साल, और जनता जो है खुद हमें जो है चुनेगी और अरविंद केजरीवाल जी के कामों को सराहेगी। उसी के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है बहुत। तो पार्षद वाजिद खान जी ने एक छोटी सी पार्टी रखी है पंजाब विनिंग के लिए। पंजाब की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? पंजाब जो जीती है आम आदमी पार्टी, कैसे देख रहे हैं? पंजाब जो है ये 92 सीटों का है, वहाँ पे 117 सीट से टूटे, 117 सीटों में से 92 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीती है। बम्पर जीत है, विरोधियों का सफाया कर दिया है। अब जो है पूरी दिल्ली में जो है खुशी का माहौल है, सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। पूरी दिल्ली में जो है जश्न का माहौल चल रहा है। इस तरह इसीलिए जो है आज हमारे पार्षद वाजिद खान जी ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और ये यहाँ पे मिठाइयाँ और दावतों का सिलसिला चालू है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता, पूरी ओखला वार्ड 102 के सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। बिल्कुल, और भी कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। जीत को कैसे देख रहे हैं आप? पंजाब की जीत जो हुई आम आदमी पार्टी की, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये पार्टी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मैंडेट दिया है पंजाब ने पूरा, 117 में से 92 सीट जीता के, जिस तरह से पंजाब ने दिल खोल कर वोट कराए, जिस तरह दिल्ली में जीते थे उसी तरह बिल्कुल पंजाब में जीत हुई है। काम की जीत हुई है, काम के नाम पर लोगों ने वोट दिया और ये बहुत अच्छी तरह जीत है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा इससे, और इसी को देखते हुए MCT चुनाव दिल्ली में होने से, इसी को देखकर अपनी हार देख कर भारतीय जनता पार्टी ने MCT इलेक्शन को पीछे हटाने का काम किया है। ये एक पब्लिक के अंदर उत्साह है और इसी के उसमें आज वाजिद भाई ने, कौंसलर साहब ने अपने यहाँ पर दफ्तर पर अपने लोगों के लिए दावत का इंतजाम किया है। माशाल्लाह सब लोग आ रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और भी कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहिएगा इस मौके पर? आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है पंजाब में। आम आदमी पार्टी की जो 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, बहुत बड़ा मैंडेट पार्टी के लिए। और एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत पंजाब के अंदर हुई है। आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, स्कूल और हेल्थ के ऊपर जो भी काम किया है, वो अब पंजाब में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये वाजिद खान साहब की ऑफिस है, वहीं से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहिएगा पंजाब की जीत को लेकर? पंजाब की जीत को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में आम आदमी का पार्टी का वर्चस्व हो, और अब नेताजी के हाथ में एक सूबा आया है, अब उनको काम करने का अच्छा मौका मिलेगा और खुल के काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं बबलू भाई, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कैसे देख रहे हैं पंजाब की जीत को? दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। भैया पंजाब में जीत हुई तो दिल्ली में तो जश्न मनाया ही नहीं। यहाँ भी इलेक्शन आने वाले, उसी जीत की वजह से यहाँ इलेक्शन टाल दिए गए, 4 महीने लेट कर दिए गए। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी भी है कि यहाँ का इलेक्शन टालना नहीं था, तो बहुत जश्न में है लोग। कल से जश्न मनाया जा रहा है शाहीन बाग। आप भी कुछ कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को जीत को लेकर? देखिए, जो भी स्टेट केजरीवाल को समझेगा वो इसी तरह से, मतलब जो उनका विकास है जो उसको समझेगा, जैसा दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है, तो वो पंजाब में भी उन्होंने इसी तरह की एक बेहतरीन जीत हासिल की है। इसीलिए कि पंजाब के लोगों को भी लगता है कि वो जो है विकास पंजाब में भी इसी तरह होगा, और दूसरे स्टेट्स में भी केजरीवाल अगर इलेक्शन लड़ेगा उनके, तो वो सभी पार्टियों को बहुत डाउन कर देंगे, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। बिल्कुल,
कहीं ना कहीं ये जो जीत आपको दिख रही है इसका असर दिल्ली में दिख रहा है और कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश में है, लगातार पार्टी का सिलसिला जारी है। तो ग्राउंड जीरो से जाकर हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी तस्वीरें हम आपको दिखा सके। ग्राउंड जीरो से कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के जीत को लेकर? आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए, कहीं ना कहीं पंजाब का असर दिल्ली में दिख रहा है। जी जी, क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर? खुशी मना रहे हैं, पंजाब की खुशी में दावतें चल रही है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एकदम जश्न में डूब चुकी है। लगता है आने वाले समय में दिल्ली भी इनके हाथ में होगी, इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की ग्राउंड जीरो से कोशिश कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट्स हम देख रहे हैं पंजाब को लेकर, जो ग्राउंड पे जो इफेक्ट्स आए हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत, तो लगातार ये जश्न का दूसरा दिन है। शाहीन बाग वाजी साहब जो काउंसलर है उनकी तरफ से छोटी सी अपनी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी रखी गई है। तो हम ग्राउंड जीरो से ही सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।